2008 में बीजिंग ओलंपिक में जब विजेंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उस वक्त हरियाणा के भिवानी के देवसर गांव में एक लड़का अपने पिता के साथ खेती का काम, किसानी का काम कर रहा था। और आज वो लड़का अगला विजेंदर बनने को तैयार है। नाम है मनीष कौशिक। मनीष ने हाल में ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और मनीष हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं। होता क्या है कि खिलाड़ी जब मेडल जीतता है तब उसकी बात सामने आती है, उसका नाम सामने आता है, लोग मेडल की तारीफ करते हैं, बधाई देते हैं, मगर एक लंबा सफ़र होता है एक खिलाड़ी के खिलाड़ी बनने में। तो सबसे पहले मनीष हम यही जानना चाहेंगे, जैसे मैंने बताया कि 2008 में जब विजेंदर जीते ब्रॉन्ज मेडल, तब आप अपने पिता की मदद कर रहे थे खेत में, क्या सफ़र है मनीष का? मनीष आज सब, अब आप मतलब आज आपको सब जान रहे हैं, मगर आपकी कहानी क्या है, मनीष की कहानी क्या है? जब मैंने शुरुआत में बॉक्सिंग की तो तब बस फिजिकल फिटनेस के लिए स्टार्ट की थी कि फिट रहें, पर जैसे ही विजेंद्र सिंह ने 2008 में ओलंपिक में मेडल जीता, देखा न्यूज़ में, अखबारों में, तो मेरे अंदर भी इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी बॉक्सिंग करूं। और पहले शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें होती थी क्योंकि हम किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी खेती करते हैं और मैंने भी खेती की है। शुरुआत में आर्थिक तंगी थी, पैसे की दिक्कत थी, भिवानी जो मेरे गांव से 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो यहाँ पर भी मैंने साइकिल से ही आता जाता था और हमारे घर पे एक दुकान थी जहाँ मैं फ्रूट्स जूस वहीं से पीता था। और शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें हुई, पर जैसे ही कुछ अचीव करने लगा तो हमारे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्कीम है सेंटर की, तो वो भिवानी में हॉस्टल उनका, तो फिर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया और वहाँ पर मैंने और अच्छे अच्छे मेडल जीते और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आती रही और इसी की बदौलत मैं 2016 में आर्मी में नायक सूबेदार के पद पे डायरेक्ट भर्ती हो गया। आर्मी में भर्ती? हाँ। अच्छा, मैंने कल तमाम भिवानी के जो स्टेडियम है वहाँ लड़कों से बातचीत की या और लोगों से बातचीत की, क्योंकि भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहते हैं क्योंकि बॉक्सर ढेर सारे निकलते हैं यहाँ से, जैसे कि मनीष हैं। तो एक चीज़ ये भी समझ में आई कि पहला एम नौकरी होता है कि अगर हम बॉक्सिंग करेंगे या कोई भी एथलेटिक्स से कोई भी गेम खेलेंगे तो हमको आगे चल के नौकरी मिल जाएगी, भविष्य सिक्योर हो जाएगा हमारा, मेडल फिर बाद में चाहत बढ़ जाती है। आपके साथ भी ऐसे था? बिल्कुल ऐसा ही था। मैं नहीं, शायद मैं हर जो स्पोर्ट्समैन करता है उसका शुरू में यही ख्वाब रहता है कि मतलब नौकरी हो जाए और जिससे घर की स्थिति ठीक हो जाए, और बाद में मैं स्पोर्ट्स में अच्छा किया तो फिर सपने आने लगे कि मैं और अच्छा करूँ। और जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं, कोचेज, उन्होंने काफ़ी मदद की और जो हमारे और भी सीनियर खिलाड़ियों ने काफ़ी मेडल जीते हैं, तो उनको देख देख के हमारे अंदर भी होता था कि ये जीत रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। तो इसी बदौलत मैं ट्रेनिंग की और मेरी मेहनत का नतीजा है और लोगों की दुआ और जिन्होंने मेरा साथ दिया उन सबका नतीजा कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। पहली फाइट जो लगता है कि भाई ये कभी भूल नहीं सकता, जो रात में कभी कोई सपने में आती हो कि क्या यार क्या जीते थे, ऐसी कोई फाइट जो हमेशा याद रह जाती हो? काफ़ी मुकाबले हैं जो हमेशा याद रहेंगे मुझे, जैसे मेरे एक शिवा थापा के साथ भी वो मुकाबला यादगार था, मैं उनसे जीता क्योंकि वो खुद अपने आप में एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, ओलंपियन हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उनके साथ मुकाबला करके मुझे लगा और मैं उनसे जीता, तो मुझे खुद को भी लगा कि अगर शिवा थापा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल ले सकता तो मैं क्यों नहीं ले सकता। और जैसे मेरी कॉमनवेल्थ की, कॉमनवेल्थ मेरे लिए पहला सबसे मेजर कॉम्पिटिशन था और इसके पीछे भी एक कहानी है कि जैसे हम उस टाइम कॉमनवेल्थ में सभी मेडल आए थे मेंस में और सभी की जो मुकाबले थे वो मॉर्निंग में थे क्वार्टर फाइनल के, और मेरा अकेले का इवनिंग में था, तो सभी जीत चुके थे और मुझे प्रेशर हो गया था काफ़ी, और कि मेरी इंग्लैंड की खिलाड़ी के साथ फाइट थी जो अपने आप में एक अच्छी कंट्री से बॉक्सर आते हैं, तो उस मुकाबले जीतने के बाद काफ़ी सुकून मिला। और ये उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा दूसरा मेजर कॉम्पिटिशन था और इसमें मुझे मेडल जीतने के बाद काफ़ी उम्मीद, और हम भिवानी से 3 खिलाड़ी हुए हैं, मैं तीसरा खिलाड़ी बना हूँ जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीता, इससे पहले विजेंद्र ने और विकास ने और हमने। विजेंद्र, विकास और मनीष कौशिक। मनीष, किस तरह का प्रेशर रहता है वर्ल्ड लेवल पर जाना, 125 करोड़ लोगों के उम्मीदों का बोझ सहना, किस तरह का प्रेशर रहता है जब रिंग में हो तो क्या दिमाग में चल रहा होता है? रिंग में उतरते हैं तब तो यही दिमाग में रहता है कि जीतना है, रिंग में उतरने से पहले आदमी बहुत पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के ख्याल आते हैं कि जीतूंगा तो ऐसे ऐसे होगा और हारूंगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, पर यही है कि आदमी जैसे सोचता है वैसे ही करता है और सभी खिलाड़ी यही सोच के जाते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि मैं जीतूं और देश के लिए मेडल जीतूं और अच्छा करूं। क्या अपना प्रेशर हैंडलिंग क्या करते हो, जैसे कि हम लोग हैं कई बार होता है किसी बड़े नेता का इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम सोचते हैं, या किसी का भी इंटरव्यू ले रहे हैं तो, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है तो लगता है कि उसका कर लिया था तो इनका भी कर लेंगे, तो एक कुछ ना कुछ तरकीब हर आदमी की होती है हर फील्ड में,
तो बॉक्सर मनीष क्या करते हैं जब उनके ऊपर कोई प्रेशर होता है? भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप का लोग उम्मीद लगाए थे गोल्ड आएगा, ये उम्मीद कि लोग मान के बैठे हैं आपकी पिछले फाइट्स देख के गोल्ड पक्का है, मगर ब्रॉन्ज आता है, किस तरह का प्रेशर था, क्यों, कहाँ चूक गए? प्रेशर बहुत रहता है सर, क्योंकि जैसे प्रेशर का हैंडल करने का एक तरीका होता है, क्योंकि आदमी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे, और कॉन्फिडेंस वो ट्रेनिंग से आएगा। जब हम फाइट से पहले अपनी जो ट्रेनिंग की इतना वो टाइम देखते हैं कि मैंने कैसे कैसे ट्रेनिंग की है, तो वो देखते हैं, तो वही उसी से आदमी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, मान लो तमाम नए लड़के तुमको देख रहे होंगे, तुम उनके आइडल हो चुके हो, तो क्या मतलब उनको करना चाहिए कि वो एक अच्छा बॉक्सर बन सकें? सबसे पहले तो उनको अपनी जो मेहनत है वो कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लगन लगा के और एक लक्ष्य को निर्धारित करके, चाहे कुछ हो जाए कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना ही है, इसी की बदौलत हम लाइफ में सफल हो सकते हैं। क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या किस किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो ट्रेनिंग, इंसान मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान बारिश दोनों टाइम अपनी जो ट्रेनिंग है शेड्यूल है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद आता है ट्रेनिंग के बाद रिकवरी, जितनी ट्रेनिंग ज़रूरी होती है उतनी रिकवरी होती है, रिकवरी भी चाहिए, और फिर होती है डाइट। ये तीनों चीज़ें मिलके ये आदमी की परफॉर्मेंस निर्धारित करती है। किस तरह की डाइट रहती है आप लोगों? डाइट पहले जैसे हमें कैंप में, अब तो न्यूट्रिशन होते हैं हमारे, जैसे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट वहाँ भी न्यूट्रिशन होते हैं, तो वो बताते हैं हमें वो खाना वही मिलता है जो हमारे लिए लाभदायक होता है। पहले जब आपने शुरुआत की होगी तब कैसे डाइट मेंटेन करते थे, क्या रहता? पहले तो कुछ डाइट का पता ही नहीं था कि क्या खाना क्या नहीं, जो घर पे बना वही खा लेते थे, सुबह भी वही शाम को वही, तब इतना मालूम नहीं था। आपका आइडल कौन है? मेरा आइडल विजेंद्र सिंह है, क्योंकि हाँ विजेंद्र सिंह की जो खेलने का तरीका है, उसकी जो बॉक्सिंग स्किल्स हैं वो लाजवाब है, उनको देखते हुए अच्छा लगता है वो कैसे खेलते हैं। क्या पसंद है विजेंद्र में? विजेंद्र का खेलने का तरीका, वो जो अपने डिस्टेंस कवर रख करके खेलते हैं ना अपने अपोनेंट से, वो अपने अपोनेंट से ना तो ज़्यादा नज़दीक रहते हैं ना ज़्यादा दूर। तो क्योंकि उनकी फाइट्स आप देखते हैं खोल की पुरानी फाइट्स? बिल्कुल देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, मेरे फ़ोन में भी उनकी वीडियोज़ मुकाबले की वो देखता हूँ मैं। विजेंद्र से आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी, कब बात हुई थी? बात वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आने के बाद उनका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि मुबारक हो लड़के मेडल के लिए, थैंक यू भाई साहब, और उनसे तो बात हुई थी इसी के बारे में। कभी उन्होंने मदद की, कभी टिप्स देते हैं, मिलते हैं तो बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो? जी उनसे मिला तो नहीं, पर जो उनकी जो वीडियोज़ हैं उन्हीं को देख के हम सीखते हैं वो क्या क्या करना चाहिए और क्या हमें कमी है। अगला बड़ा एम क्या है? अगला मैं एम जो हमारा बॉक्सिंग का जो फरवरी में क्वालिफाइंग शुरू होगा एशिया ओशियाना, उसमें क्वालिफाई करना है, और मेरा नहीं देश के सभी खिलाड़ियों का यही उम्मीद है कि वो अपने जो ट्रेनिंग करें आज के दिन के ओलंपिक एम होगा सबका, और वो चाहेंगे किसी तरीके से ओलंपिक क्वालिफाई करें और देश के लिए मेडल जीते। अच्छा। मनीष तमाम आपकी तरह और खिलाड़ी हैं, जैसे मैरी कॉम का बड़ा नाम आता है, कभी उनसे मिले, कभी बातचीत हुई? मैरी कॉम से मिले भी हैं और उनसे बातचीत भी हुई है, उनके साथ हम कॉमनवेल्थ में कॉम्पिटिशन खेलने गए थे, एक दो बार और गए हैं उनके साथ कॉम्पिटिशन खेलने, वो काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी उनको देख के हमें मोटिवेशन मिलता कि वो 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं जो इंडिया में कोई नहीं आज तक, और वो हमारी बॉक्सिंग से ही हैं तो हम उनको काफ़ी फॉलो करते हैं। अगला बड़ा एम क्या है, मतलब जीवन का या जो आगे चैंपियनशिप आने वाली है उनमें सबसे बड़ा एम क्या है कि ये तो करना ही है हाल में? ओलंपिक है सर, क्योंकि अगर खिलाड़ी अगर ओलंपिक नहीं खेला और उसमें मेडल नहीं है तो उसका जीवन अधूरा ही है। अरे खिलाड़ी का सपना ये था कि ओलंपिक में मेडल जीते, ओलंपिक में जीते। हाँ। तो ओलंपिक की तैयारियाँ शुरू हो गई? हाँ जी, अब उसी के लिए मैं जा रहा हूँ सर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, वहाँ ट्रेनिंग करूँगा और जब जैसे ही नेशनल कैंप शुरू होगा मैं नेशनल कैंप में पहुँचाऊँगा। आर्मी के कैंप में आप रहते हैं, आर्मी में किस तरह की सुविधाएँ मिलती हैं? आर्मी में बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे जो कोशिश करते हैं कि जो अभी नेशनल कैंप में मिलती हैं वैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, तो हमारे लिए फॉरेनर कोच भी रखे हुए हैं आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में, और इंडिया के काफ़ी अच्छे अच्छे कोचेज हैं, 10-15 कोचेज हैं, मतलब जो हर खिलाड़ी पर पूरा ध्यान देते हैं, डाइट का, इक्विपमेंट का, जो जो ज़रूरत होती है वो हर चीज़ मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से उठ के आज इतने ऊपर तक आए हैं, और कल मैं स्टेडियम गया था आपके भिवानी के, तो वहाँ मुझे कई दिक्कतें नज़र आईं, गंदगी थी, जिस तरह के इक्विपमेंट्स होने चाहिए नए खिलाड़ियों के लिए जो बच्चे सीख रहे हैं उस तरह के इक्विपमेंट्स नहीं थे, डाइट की उनकी मदद करने के लिए सरकारी सुविधा नहीं थी, क्योंकि आपने ये सब झेला है, तो आप सरकार या जो अगली सरकार आती है उससे कुछ अपील करना चाहेंगे, जो जिस तरह की दिक्कतें आपने झेली वो शेयर करिए वो, ताकि आज जो नए लड़के हैं वो अच्छे से और जल्दी बॉक्सर अच्छे बन के निकले, क्या करना चाहिए सरकारों? सरकार को ग्राउंड लेवल पे ही ध्यान देना चाहिए, पर जो अब जो सरकार आई है वो काफ़ी अच्छा कर रही है, उन्होंने नर्सरियां खोली हुई हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, खेलो इंडिया खोला हुआ है, खेलो इंडिया, फिट इंडिया,
इसके तहत खिलाड़ियों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है कि अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो उन कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं उनको देख के, और जैसे जैसे खिलाड़ी अब खेल में खेले फिट रहेगा और तो इसे देश भी आगे बढ़ेगा। देश में मोदी सरकार है इस वक्त, बड़ा खेलो इंडिया जैसा कि आपने बताया, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात हो रही है, आपको लगता है वाकई हो रही हैं चीज़ें? हाँ वाकई हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं सर, क्योंकि काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है खेलों। बड़े खिलाड़ियों के लिए क्या किया जा रहा है? जैसे उन्होंने एक टॉप ओलंपिक पोडियम स्कीम चलाई हुई है, उसमें जैसे मेरा भी नाम आया हुआ है, उसमें काफ़ी जो हर गेम से जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उनको सुविधाएं मिल रही हैं कि वो कुछ भी बोले, उनको जो ज़रूरत है वो हम पूरी करेंगे और आप मेडल पे ध्यान दें। तो कितने खिलाड़ी हैं करीब इसमें? बॉक्सिंग से अभी 10 खिलाड़ी चुने गए हैं लड़के लड़कियों मिला के, और जो भी जो मेडल के दावेदार माने जाते हैं, संभावित माने जाते हैं, उन सभी को इस कैटेगरी में चुना गया है। और उनको उनसे सरकार यही कहती है कि आप अपनी दिक्कतें बताएं, जो है वो हम दूर करेंगे और आपको देश के लिए मेडल जीतना और अच्छा करना है। मनीष की नज़र में इस वक्त सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आप हैं, आपकी नज़र में आपके साथ जो लड़के खेलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको कौन लगता है कि यार ये लड़का तो पक्का लाएगा मेडल? जी मेरे साथ जैसे अमित पंगाल है, वो भी अभी रोहतक के हैं, हमारे हरियाणा के ही हैं, वो भी अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर लेके आए हैं, जो इंडियन हिस्ट्री में उसमें पहली बार हुआ है, और उन्होंने कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स हर जगह मेडल जीते हैं, तो वो अभी अपनी पूरी पीक पर चल रहा है और वो मेडल का प्रबल दावेदार है। अच्छा। मेडल दिखा दो अभी जो ताज़ा लाए हो, कहाँ है ये? मनीष अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप से ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, ये ज़रूर देख लीजिए, मैंने भी हाथ पकड़ लिया पहली बार, बस का तो है नहीं ये सब, बड़ी मेहनत का काम है। आप तमाम यहाँ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं आपकी, थोड़ा इनके बारे में बताएंगे, ये कब की फ़ोटोज, ढेर सारे मेडल उधर दिखाइए जरी, ढेर सारे मेडल, ये गधा किसने दिया आपको? ये जब मैं कॉमनवेल्थ में मेडल जीत के आया था तो मेरे ग्रामवासियों ने मुझे सम्मान के तौर पर दिए थे गधा और मुकुट। अच्छा, गांव वालों ने दिया, गांव वाले बड़ा खुश होते होंगे कि हमारे गांव का लड़का। जी गांव वाले बड़े खुश होते हैं क्योंकि हमारे गांव में पहले भी काफ़ी स्पोर्ट्समैन रहे हैं और अब भी काफ़ी लड़के स्पोर्ट्स करते हैं, तो गांव वालों का और हमारे आसपास के इलाके का पूरा सहयोग रहता है। ये फोटो कब की है? ये मैं एशियन गेम्स टेस्ट इवेंट में गया था, उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था, ये उसका। अच्छा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये कब मिले थे? ये जब हम कॉमनवेल्थ से मेडल लेके आए थे तब हम दिल्ली में मिले थे प्रधानमंत्री जी से। अच्छा, ये मीटिंग जो बड़ी वाली फोटो है ये भी उसी दिन की है, उसी दिन मिले थे प्रधानमंत्री। लग यार गुरु स्मार्ट रहे सूट में। ये बगल में हमारे यहाँ पर 15 अगस्त पे जो सम्मान समारोह हुआ था उसमें हमें दिया गया था। अच्छा, तो कौन कौन लोग हैं या छोटी फोटो जो है? इसमें जैसे विकास कृष्ण यादव है, देवेंद्र सिंह है, गौरव बिदुड़ी है, मनदीप जांगड़ा है, और जो हमारे पहले जो चीफ कोच थे जी एस संधु, वो बगल राजवर्धन राठौर के साथ जो पूर्व खेल मंत्री थे। हाँ, कॉमनवेल्थ में मेडल लेने के बाद उन्होंने सम्मान समारोह में हमें सभी खिलाड़ी तो मेडल्स लेके आए थे, उनको इनाम राशि दी थी और उनको सम्मानित किया था। ये कॉमनवेल्थ के मेडल सेरेमनी की है, जो हमें जो जो खिलाड़ी कॉमनवेल्थ में मेडल जीते थे वो। हाँ। कैसा लगता है जब जीतते हो और अपना नेशनल एंथम बजता है, वो सुन के कैसा महसूस होता है? उससे अच्छी खुशी मतलब उससे अच्छा कभी लगा ही नहीं जिंदगी में, ऐसा होता है, और राष्ट्रगान सुन के उस पोडियम पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सारी मेहनत उसी के लिए है। इधर ढेर सारे मेडल आपके लगे हुए हैं, ये कब से कब के हैं? ये सर मैं 2008 में बॉक्सिंग शुरू की थी, ये 2019 चल रहा है। ये तब से फाइट कब जीते थे? पहले मैं 2008 में जीत गया सर स्टेट, कुछ याद है उसके बारे में? हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप में। अच्छा। मैंने ब्रॉन्ज मेडल आया था मैं पहली बार। अच्छा। पहली फाइट तो याद रहती होगी है कि वहाँ से सफर शुरू हुआ था। ये बगल में तमाम ट्रॉफीज आपकी लगी हुई है, ये मैरी कॉम जी के साथ भी हैं। ये फर्स्ट इंडिया ओपन जो दिल्ली में हुआ था उसमें मेरा भी गोल्ड था और मेरी कॉम का भी गोल्ड था। अच्छा, ये मुक्का मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सर ये कहाँ मिला था? ये जो थर्ड नेशनल हुई थी आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में, तो उसमें मुझे बेस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सर अवार्ड से चुना गया था। तो अब मनीष यहाँ से गांव घर आए हुए हैं, घर आके मतलब डाइट तो बिगड़ जाती होगी, घर में तो माँ है, माँ तो कहते होंगे बेटा बहुत दुबला हो गया है, तो डाइट खराब हो जाती होगी यहाँ के? तो हाँ, घर पे तो जो माँ बनाती है वही खाते हैं और अच्छा ही लगता है, क्योंकि बाहर रहते हैं तो ज़्यादा खाना नहीं मिलता घर का, और जो मिलता है वही खाना पड़ता, तो बाहर आके माँ जो बोलती है वही बनाती है और खाते हैं दबा के। कल वापसी है कैंप में, अब अगली तैयारी किस चीज़ की है? अगली तैयारी पहले अपने आप को प्रिपेयर करना, जो कमियाँ रह गई थी उनको सुधारना, और जो एशिया ओशियाना ओलंपिक क्वालिफायर आएगा उसके लिए देश में ओलंपिक कोटा हासिल करना। चलो मनीष, बहुत शुभकामनाएं आपको, उम्मीद करते हैं अगली बार जब हम मिलें तो एक और मेडल आपके यहाँ सजा हो। ऑल द बेस्ट। तो ये मनीष थे
मनीष की कहानी आपने सुनी, आपको मनीष की कहानी कैसे लगी? ऐसे और तमाम खिलाड़ियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। हरियाणा क्योंकि दूध दही का प्रदेश है और तमाम ऐसे बड़े खिलाड़ी यहाँ से लगातार निकलते रहते हैं, ऐसे और तमाम खिलाड़ियों से आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप.com। मैं सौरभ हूँ और कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।